subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्ते साहब। नमस्ते, क्या हुआ? होना क्या साहब, वो जो अशोक अपने आप को इंजीनियर बोलता फिरता है, वो साले ने काम बंद करवा दिया है। कहता है घटिया सीमेंट और घटिया लोहे की वजह से खंभों में दरारें पड़ गई हैं, और भौंकता फिरता है कि जब तक उसे असली बाल नहीं मिलेगा छत नहीं चढ़ने देगा। बोलो तो फोड़ डालो। कहाँ है वो घटिया इंजीनियर जो हमारे भेजे हुए सीमेंट को घटिया कहता है? वो इंजीनियर आपके सामने खड़ा है। तो तुम हो अशोक सिन्हा? सीमेंट की क्वालिटी के बारे में तुमने कब से परेशान होना शुरू कर दिया? जब से घटिया क्वालिटी का माल यहाँ आना शुरू हो गया। मिस्टर, तुम्हारा काम है नव भारत की इमारत को खड़ा करना, उसमें लगे हुए माल की छानबीन करना नहीं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मुझे ये देखना है कि नव भारत अपनी बुनियाद पे खड़ा रह सके, और मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ये इमारत मजदूरों के लिए कब्रिस्तान बन जाए। तुम्हें यह काम किसने दिया? आपके बड़े भाई राम साहब ने। और तुम उनके एहसान का बदला इस तरह चुका रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि हिंदुस्तान की सबसे ऊंची और खूबसूरत इमारत के इंजीनियर बनने का फख्र तुम्हें हासिल है, और तुम मजदूरों को भड़का रहे हो जिससे कंपनी को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है? आपके लाखों के मुकाबले में मेरे गरीब भाइयों की जिंदगी मेरी नजरों में ज्यादा कीमती है। मुझको ये बर्दाश्त नहीं होगा कि उन खंभों पर छत डालने दूं जो किसी भी दिन सूखी डाली को तो टूट के गिर सकती है। आप चाहें तो मेरा इस्तीफा कबूल कर सकते हैं।
इसे रख लें, मुझसे ज्यादा अब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी शायद। मिस्टर पटेल, काम अभी का अभी शुरू हो जाना चाहिए और शर्मा साहब से कहो कि 24 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट मेरे सामने आ जाए। अपने मजदूरों से कहो शंकर कि काम दोगुनी रफ्तार से शुरू कर दें, ना कि उस बेवकूफ इंजीनियर के बहकावे में आए और अपने ऊपर किसी किस्म का खतरा मंडराता महसूस करें। मुझे उनकी पूरी पूरी फिक्र है। ओके, ठाको जी, मजदूरों से जानवरों की तरह काम लो, उन्हें एक मिनट भी आराम से बैठने मत दो। ठीक है साहब। ये सब क्या हो गया? ऐसे हादसे तो कंस्ट्रक्शन में होते रहते हैं, लेकिन आज तक हमारी कंपनी में कभी ऐसा नहीं हुआ। हेलो। हाँ जी, मैं आपका एक शुभचिंतक बात कर रहा हूँ। ये बतलाइए, बिल्डिंग के मलबे में से कितनी लाशें बरामद हुई है? नव भारत का कॉन्ट्रैक्ट आपको नहीं मिला, इसीलिए सब कुछ आप जलकर कह रहे हैं। अजी जलकर नहीं, मैं तो खुश होकर एक पार्टी देना चाहता हूँ, आएंगे ना आप? नॉनसेंस, ये सब सबोटाज है, साजिश है। जी हाँ, ये सबोटाज आपके भाई नाथ ने किया है। तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम्हें मेरे भाई से कोई दुश्मनी तो नहीं? मेरे दिमाग ने भी यही कहा, लेकिन मेरा दिल नहीं माना और आपसे मिलने का खतरा मोल ले लिया। ये रहा मेरा इस्तीफा। जहां पैसे को मजदूरों की जान से ज्यादा अहमियत दी जाती है, वहां मैं काम नहीं कर सकता। आज बंबई में बनने वाली हिंदुस्तान की सबसे ऊंची और खूबसूरत इमारत नव भारत के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर मिली है। अब तक प्राप्त समाचारों के अनुसार करीब 20 से भी अधिक मजदूरों के हताहत होने की संभावना है। नव भारत में घटी इस दुर्घटना की जांच पड़ताल के लिए विशेषज्ञों का एक दल बंबई रवाना हो चुका है। हिंदुस्तान टीवी बंद कर दो। इमारत को बनाने का काम मशहूर बिल्डर लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंपा गया है। नाथ, अब तक कहां थे? मैं हॉस्पिटल गया था। ये क्यों नहीं कहते कि क्लब से शराब पीकर आ रहे हो? यह हादसा कैसे हुआ? मैं पूछता हूं, यह हादसा क्यों हुआ? भाई साहब, हादसा तो हादसा ही होता है, उसकी कोई वजह नहीं होती। लेकिन मैं इसकी वजह जानता हूं, इसकी वजह है तुम्हारी बेईमानी। तुमने मुझे धोखा दिया, मेरी इज्जत खाक में मिला दी। ये आप कैसे कह सकते हैं? आपकी इज्जत में, आपकी बिल्डिंगों में मेरी बरसों की मेहनत, मेरे दिन रात का पसीना शामिल है।
पसीना नहीं, तुम्हारी बेईमानी शामिल है। हर बिल्डिंग में सीमेंट की जगह राख मिलाते रहे। ये सरासर झूठ है। ये झूठ नहीं, सच है। तुम मेरे पीछे दौलत जमा करते रहे, आखिर किसके लिए? मेरी एक ही तो बेटी है, और वो भी परदेश में। मेरे पास सारा कारोबार तुम्हारा ही तो था। मेरे खिलाफ आपको किसी ने भड़काया है। तुम्हारी करतूतों की पोल खोलने वाला है हमारी कंपनी का इंजीनियर अशोक सिन्हा, जो तुमसे तंग आकर इस्तीफा देकर चला गया है। आप उस कमीने के बहकावे में आ रहे हैं जो सारे मजदूरों के साथ काम बंद किए बैठा था, और मेरे डांटने पर जिसने यहाँ आकर आपके सामने ये सारी आग लगाई। आग उसने नहीं, तुमने लगाई है, जिसकी वजह से कंपनी के वफादार इंजीनियर से इस्तीफा देकर चले गए। मैं तुम्हें खो सकता हूँ, लेकिन वफादार साथियों को नहीं खो सकता। आज से तुम्हारा मेरी कंपनी में, इस घर में मुझसे कोई वास्ता नहीं। गेट आउट। ठीक है, मैं जाता हूं, लेकिन जाने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूं भाई साहब कि काम तो मैंने जरूर आपसे सीखा था, लेकिन आज के बाद ये आप मुझसे सीखेंगे हाउ टू रन द बिजनेस विथ बिग प्रॉफिट्स। शिव 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 शिव, तुम्हारा भाई तो नहायत ही कमीना निकला। अरे उसके लिए तुमने क्या क्या नहीं किया। आज जिस मंजिल पर पहुंचकर तुम्हें नीचा दिखा रहा है, क्या वो भूल गया कि उसकी सीढ़ी का सहारा सिर्फ तुम ही थे? अब उसी सहारे को छोड़ दिया उसने। छोड़ा उन्होंने नहीं, खुद मैंने ही छोड़ दिया है। जानकी, मैंने भाईचारे के रिश्ते की जंजीर को तोड़ खुद अपने आप को आजाद कर लिया है, ताकि मैं भाई साहब का खुलकर मुकाबला कर सकूं, और यही चैलेंज मैं उन्हें देकर आया हूं। अब तक तो मैं नवभारत बिल्डिंग की बुनियादों को खोखला करने के लिए तुम्हारी फैक्ट्री का घटिया सीमेंट इस्तेमाल करता रहा, और अब नवभारत की दीवारों को कमजोर करेगा मेरा दिमाग। 50 करोड़ का इनाम अगर आप नवभारत के साथ हासिल करना चाहते हो, तो गुप्ता से कहो कि अपनी तिजोरी का मुंह खुला रखने के साथ साथ 3 अहम चीजों को भी अपने काबू में रखे, जिनकी हमें बहुत जल्द जरूरत पड़ने वाली है। तिजोरी तो हम बचपन से देखते, खोलते और संभालते आए हैं, मगर ना साहब, इसके अलावा वो 3 अहम चीजें कौन सी हैं? पॉलिटिशियंस, पुलिस और प्रेस। ये रही आपकी कीमत। आप जो कुछ मैं कहूंगा वही आप करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप हुक्म कीजिए। सबसे पहला काम तो ये है कि लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन के नाम को बिल्कुल बदनाम कर देना। जनता की नजर में, सरकार की नजर में, कारोबारी हलकों में रहा हम अपना सर उठा के न चल सके। आप सर उठाकर चलने की बात करते हैं, वो तो सर झुकाकर भी नहीं चल सकते। गुप्ता साहब, मेरे अखबार के शहर में नहीं पूरे देश में धाक है, उसमें छपा हुआ हर लफ्ज पढ़ने वालों के दिलो दिमाग पर छप जाया करता है। That's good, very good. इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। लेकिन एक बात का अच्छी तरह से ध्यान रखना। वो क्या? किसी को ये मालूम ना होना चाहिए कि ये काम तुम मेरे लिए कर रहे हो। मैं करूंगा ही नहीं तो पता कैसे चलेगा। करूंगा ही नहीं, क्या मतलब? गुप्ता साहब, मैं भी MLA रह चुका हूँ। कौन सा काम खुद करना चाहिए और कौन सा काम दूसरों से करवाना चाहिए, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। जी हाँ, मेरी एक रिपोर्टर मिस गीता, वो अपनी कलम से ऐसी आग लगाती है कि दुनिया भर के फायर ब्रिगेड मिलकर भी उस आग को नहीं बुझा सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी रिपोर्टर गीता पटाखा नहीं बल्कि धमाका है, धमाका। यही तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का ये काला धंधा बंद हो जाए। इसका मतलब ये है कि आप मेरे खिलाफ लिखना बंद नहीं करेंगे। आप मुझे धमकी देने आए हैं? सेठ जी, मेरी कलम सिर्फ कागज के सामने झुकती है, किसी और के सामने नहीं। सेठ जी, आप अपना नोटो भरा लिफाफा लेते जाइए। कौन सा लिफाफा? वही जो आपने मेरे बैग पर रखा है।
गीता तुम्हें खन्ना साहब बुला रहे हैं। ओके। यस सर। गीता एक बहुत ही इंपॉर्टेंट असाइनमेंट दे रहा हूँ तुम्हें। जी। और मेरे ख्याल से ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो। कहिए। नवभारत बिल्डिंग के मशहूर बिल्डर सेवक राम की कंपनी में बहुत ही घपले हो रहे हैं। वर्कर्स को मजदूरी पूरी नहीं मिलती है, एक्सीडेंट की बातों को दबाया जाता है और बिल्डिंग में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल बहुत ही घटिया होता है। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद भी वो सरकार की नजरों में ईमानदार बने हुए हैं। हमें सच्चाई को जनता के सामने लाना है, इसलिए ये काम मैं तुम्हें दे रहा हूँ। थैंक यू सर। रसगुल्लो, अरे मेरी कटोरी। कौन सी कटोरी? सी नहीं थी। हमारे स्वर्गवासी धर्म पत्नी को नाम कटोरी थो। दरवाजे के बाहर क्या कर रहे थे? हाँ, अजी आंखों की पिचकारी से जवानी का रस खींच के अपने इस बुढ़ापे के झाड़ को सींच रहे हो थो, अपने दरवाजा खोल के कमाला कर दियो। क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं जी, मैं आपसे अपनो क्या देने आयो थो। अरे नहीं रे, देने आयो थो। लो पकड़ो। पकड़ लिया जी, अब जिंदगी भर मत छोड़ाना। ऐसे नहीं हो सकता कि मेरा खाता बंद और तुम्हारा खाता शुरू, और तुम्हारे खाते में मेरे सारे बंगले, मेरी सारी जायदाद, मेरी सारी मोटरें, और मैं भी, और फिर खाता बंद। बकवास बंद करो। I don't like this। अंग्रेजी में गिटपिट कर रहे हैं? लगा है मेरी जिंदगी के रेगिस्तान में नहर नहीं आवेगी। शंकर जी, आप मजदूरों को कोई शिकायत तो नहीं? जी बिल्कुल नहीं। आप जैसे देवता के होते हुए हमें कोई दुख छू सकता है भला? और फिर आपने मुआवजे का मरहम भी तो बहुत ज्यादा लगा दिया। नहीं शंकर नहीं, खून पसीने की मेहनत का एवज रुपयों के ढेर से नहीं होता। इनके लिए जितना भी करें कम है। जरा सोचो तो सही, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी इमारत बनाने का हौसला मुझे इन्हीं से तो मिला है। अगर इनके पाँव की धूल मेरे माथे से लग जाए तो मैं समझूंगा मेरा जीवन सफल हो। मजदूरों के बच्चों के लिए। राम राम साहब। क्या बात है रामू? साहब कुछ परेशानी है। कैसी बात करते हो रामू, अब तो पगार भी बढ़ गई तुम लोगों की। शंकर भैया, तनख्वाह से पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। सरकार हम सबकी यही प्रार्थना है कि अशोक बाबू को वापस बुला लीजिए। हाँ हाँ बुला लीजिए, वापस बुला लीजिए। सर ये राय सिर्फ मजदूरों की ही नहीं, हम सब इंजीनियर्स की भी है। क्या आप समझते हैं कि अशोक की कमी हम महसूस नहीं करते? अली उसी को बुलवाने के इंतजाम में लगा हुआ है। राम साहब आप यही रुकिए, हम संभाल लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। आप फ्लैट लगाइए। तुम लोग यहाँ जाल पकड़ कर। भैया राम साहब हीरा को बचाने ऊपर गए। हीरा
अंदर। मैं आ गया हूँ राम साहब, घबराइए नहीं। आओ हीरा, 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 हीरा बच गया, हीरा बच गया, हीरा बच गया, हीरा बच गया। किरण बेटी, हिम्मत रखो, हौसला रखो, होनी को कौन टाल सकता है। मौत ने इतनी फुर्सत भी न दी कि भाई साहब अपना सपना पूरा कर सकते। हौसला रखो बेटे, जो काम भाई साहब अधूरा छोड़ गए हैं उसे मैं पूरा करूंगा, मैं पूरा करूंगा। बेटी हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं जो हूं तुम्हारी पढ़ाई भी नहीं रुकेगी और नव भारत बिल्डिंग भी पूरी हो जाएगी। आखिर मेरा भी तो कुछ फर्ज है। मैं भाई साहब की कंपनी और अपनी कंपनी को मिलाकर एक बहुत बड़ी कंपनी बनाऊंगा। और प्लीज अंकल, ऐसी बातें करने की ना तो ये जगह है ना ही मौका। वो तो ठीक है बेटी, लेकिन फिर भी बस कीजिए अंकल। अगर डैडी की जगह आप होते तो क्या डैडी यहां खड़े होकर बिजनेस की बातें डिस्कस करते? अली, किरण इस वक्त बहुत परेशान है, इसलिए मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रही है। आप जरा उसे मेरी बात का मतलब समझाइए। मैं आपकी बात का सही मतलब अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूंगा। गुड मॉर्निंग मिस्टर नाथ। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? मिस्टर अली, नाथ को किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ती। एंड आई डोंट वॉन्ट टू बी डिस्टर्ब इनसाइड। ओ किरण बेटे, कैसी तबीयत है बेटे? मैं इन पेपर्स में इतना खो गया था कि तुम्हारे आने का पता ही नहीं चला। आप यहाँ क्या करने आए हैं? बेटे, हमारा काम कहीं पीछे न रह जाए इसलिए मैं फाइलें देख रहा था ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। आप ये नहीं जानते कि किसी के बिजनेस पेपर्स देखने से पहले उसकी इजाजत लेना जरूरी है? किरण, अपनों से भी कभी इजाजत ली जाती है। और फिर मैं तो तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हारे फायदे के लिए।
डैडी को नव भारत का कॉन्ट्रैक्ट मिलते ही आपने जो रंग बदला था वो भी तो आपके फायदे और मदद का ही एक तरीका था। मौके की नजाकत को समझने की कोशिश करो किरण, कहीं ऐसा ना हो। हाँ, कि मैं आपको और आपकी नियत को अच्छी तरह समझती हूँ। मैं बच्ची नहीं हूँ। उम्र के बढ़ावे के साथ तजुर्बे का बढ़ावा नहीं होता, और ये कंस्ट्रक्शन का काम एक ना तजुर्बेकार अकेली औरत के बस का रोग नहीं। आपने ये कैसे समझ लिया कि मैं अकेली हूँ? मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले मजदूर हैं, इंजीनियर्स हैं, और मेरी सबसे बड़ी ताकत है मेरे डैडी का आशीर्वाद। लोगों के बहकावे में आकर तुम मेरे खिलाफ जहर उगलने लगी हो। जब ये भूत तुम्हारे दिमाग से उतर जाए तो अपने दीनू अंकल को याद कर लेना। मिस्टर अली, कोशिश करो कि ये जहर उसके दिमाग से निकल जाए जो तुमने मेरे खिलाफ भर दिया है। इसमें उसकी और तुम्हारी भी भलाई है। हर हालत में ये काम रुकना चाहिए। अरे नाथ साहब, आप कहो तो पूरा का पूरा ना भारत उड़ा दो। तुम गधे हो, जरा दिमाग से काम लो। नव भारत ही नहीं रहेगा तो 50 करोड़ कैसे मिलेगा? जमीन के टुकड़े पर। तो फिर थोड़ा थोड़ा उड़ाते हैं क्या? हाँ, इस तरह छोटी मोटी तोड़ फोड़ आए दिन करते रहो कि काम धीमा पड़ जाए और मियाद के अंदर बिल्डिंग पूरी ना हो पाए। आप फिक्र मत कीजिए नाथ साहब, कल से देखिए कैसी फुलझड़ियां छूटती है। माफ कीजिएगा, अपॉइंटमेंट लिया आपने? कई बार मैं फोन कर चुकी हूँ लेकिन किसी ने सही जवाब नहीं दिया, इसलिए मैं बिना अपॉइंटमेंट के यहाँ चली आई। देखिए किरण इस वक्त बहुत बिजी है, इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है, इसलिए आइए। लेकिन मेरा मिलना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? मिस्टर राम की डेथ के बाद नव भारत का काम बहुत स्लो चल रहा है। ये आपसे किसने कहा? ये तो सबको पता है, क्योंकि नव भारत के लिए गवर्नमेंट ने बहुत इन्वेस्ट किया है और मुझे पब्लिक को ये बताना है कि गवर्नमेंट के पैसों का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। आप कहना क्या चाहती हैं? मिस किरण कंस्ट्रक्शन के बारे में क्या जानती हैं? जी मैं बताता हूँ, ताजमहल किसने बनवाया था देवी जी? शाहजहां ने। और शाहजहां तो कंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, फिर भी उसका नाम ताजमहल के साथ क्यों जोड़ा गया? वो उसका ड्रीम था। करेक्ट। इसी तरह से मिस किरण का भी नव भारत एक ड्रीम है, एक ख्वाब है जिसे उसके पिता ने देखा था, मिस गीता सेन। हाँ, मिस गीता सेन। बिल्डिंग बनाने के लिए सीमेंट, चूना और रेत की जरूरत नहीं पड़ती, जरूरत पड़ती है इरादा की, और वही इरादा मिस किरण के दिल में है, दिमाग में है। अरे वाह वाह वाह, शाबाश बेटे, शाबाश। जी ये जी मैं अशोक सिन्हा हूँ, नाइस मीटिंग यू, बाय। नाराज हो गई? बहुत अच्छा हो बेटे तुम आ गए। नमस्ते साहब। नमस्ते। क्या बोला शर्मा? शर्मा आज रात मेरे क्लब में आने के लिए तैयार हो गया है, बात करके देखता हूँ। मगर ये कमबख्त अशोक यहाँ क्यों वापस आ गया है? लगता उस साले का मौत उसे यहाँ खींच लाया है। आप बोलो साहब, आज रात को अपन उसका पत्ता काट लेगा।
अपनी हुस्न देखे हैं लाखों, देखे हैं ना, अब मुझे एक नजर देखिए, देखिए ना। ये सब कुछ तो अपनी भतीजी की बेहतरी के लिए ही कर रहा हूं। मुझे वहां से हटाकर, मिस्टर नाथ, राम साहब मेरे भाई समान थे, किरण मुझे बेटी से भी ज्यादा अजीज है। अरे जिस आदमी में जर्रा बराबर भी शराफत है वो ऐसी जलील हरकत नहीं कर सकता। कीप द चेंज। Thank you.
अरे साहब, ये तो अपना चीफ इंजीनियर शर्मा है। हाँ, यही तो सारे फसाद की जड़ बन गया है। अरे साहब, तुम फिक्र क्यों करते हैं? इस फसाद की जड़ की घटिया तो अपन यूं खड़ी कर देगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। इसकी एक पोती है जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा चाहता है। अब तो साहब बिल्कुल फिक्र मत करो, समझ लो अपनी खोपड़ी का बत्ती जल गया। मिस्टर शर्मा, मैं चाहता हूँ आप ये शहर छोड़कर चले जाएं। क्या भगते हो? कौन है तुम? मैं कौन? ये आपको आपकी पोती बताएगी। दादाजी, देखो मेरी पोती को कुछ नहीं होना चाहिए। इसे जिंदा देखना चाहते तो जो मैं कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो मिस्टर शर्मा। क्या चाहिए? अगर 24 घंटे के अंदर आपने ये शहर छोड़ दिया तो आपको आपकी पोती मिल जाएगी, वरना उसकी लाश भी देखने को आप तरस जाएंगे। हेलो हेलो हेलो। अब उस बुड्ढे का काम तो मैंने एकदम फिट कर दिया, अब गाड़ी में बैठा ऊपर वाले को याद कर रहा होगा। गुड, अब इसे गौर से देखो। अरे साहब, ये तो वो गंजू पटेल साहब है, गाड़ी में बैठ के रौब जमाता रहता है। इस बार गाड़ी में बैठे तो उतरने नहीं पाए। गुड मॉर्निंग मिस्टर पटेल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दिस इज ऑल इंडिया रेडियो। छोड़ देता हूँ। रहने दीजिए, हमारी बस आती होगी। पापा हमारी टीचर। हेलो, आइए आइए, प्लीज आइए, आओ बैठाओ, आ जाओ। साला बचा है, आप बोलो तो आंख से चश्मा उतार के इसके हूं में दे दो। नहीं डाको, हर किसी पर सीधा वार करने की जरूरत नहीं। इसकी जान इसकी बीवी के जिस्म में बंद है। जब जिस्म ही नहीं रहेगा तो जान साला बेजानी हो जाएगा। क्या बात है भाई, आज बार बार घड़ी की तरफ देख रहे हो? क्या बताऊं अशोक,
आज तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। क्या बात है बोलो। एक्चुअली टुडे इज माय मैरिज एनिवर्सरी, मैं जरा घर चले जाना चाहता हूँ, आज का मेरा काम तुम संभाल दो प्लीज। काम तो मैं संभाल लूंगा दोस्त, लेकिन आज तुम्हारी मैरिज एनिवर्सरी है, ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? भाभी के लिए मैं भी कोई अच्छा सा तोहफा भेजता। खैर कोई बात नहीं, शादी की मुबारकबाद कबूल करो और निकल लो, सारा काम मैं संभाल। थैंक यू। हेलो जूली, लिसन टू मी यार, अरे मेरी बात तो सुन, आज रात की पार्टी तुझे याद है ना? हाँ यू मस्ट कम, मैं तेरा इंतजार करूंगी। देख मुझे बहुत ज्यादा काम है, शायद मेरे हस्बैंड आ गए, आई टॉक टू यू लेटर ओके, पर पार्टी में आना भूलना नहीं, आई वेट फॉर यू, बाय। आप कौन है आप? गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, वेरी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, मिस्टर गोम्स ने ये स्पेशल केक वेडिंग एनिवर्सरी के लिए मंगवाया है, रख दो। ओके मैडम, इस केक की रसीद साइन कर दीजिए। लीजिए, अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं, अब आप जाइए प्लीज। कहिए तो मैं आपके काम में थोड़ा हाथ बटा दूं? जी नहीं, मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं, एंड यू मे प्लीज गो नाउ। चला जाता हूँ मैम साहब, लेकिन जाने से पहले मेरे हाथ से थोड़ा सा केक तो खा लीजिए। ये लेकिन आप है कौन और ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं है, और मैं क्या हूँ अभी बताता हूँ। देखिए मैं आपसे कहती हूँ आप रुक जाइए, वरना मैं शोर मचाऊंगी। प्लीज अब चली जाइए यहाँ से। क्यों गिर रही है? लीजिए नाइस केक। सॉरी मैडम, गलती तुम्हारे हस्बैंड गोम्स की थी। गोम्स का बच्चा, बीवी की जान। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है, लेकिन सदमा इतना गहरा है कि इनको ठीक होने में कितना वक्त लगेगा डॉक्टर? कुछ कह नहीं सकता, साल दो साल, इट्स ए होपलेस केस। देखिए मैं तो आप लोगों से ये कहूंगा कि हिम्मत से काम लीजिए, ये दो चार एक्सीडेंट से हुए इन्हें भूल जाइए। क्या आप चीफ इंजीनियर शर्मा के अचानक शहर छोड़कर जाने को एक एक्सीडेंट कहेंगे? फिर तो आप पटेल साहब के कार ब्लास्ट को भी एक छोटा मोटा एक्सीडेंट ही कहेंगे, और गोम साहब की बीवी के साथ जो हुआ उसके बारे में आप क्या कहेंगे? और क्या आपको ये पता है कि गोम साहब के बारे में डॉक्टर्स की रिपोर्ट क्या है? अब वो जिंदगी भर जिंदा लाश की तरह रहेंगे। दरअसल हम लोग ये कहना चाहते हैं अली साहब, मैं ही नहीं बल्कि हमारे सब साथी इस बात पर फक्र करते हैं कि हम हिंदुस्तान की ऊंची और खूबसूरत इमारत के लिए काम करते हैं, मगर हम में से कुछ लोग हैं जो बच्चों के पिता और दादा भी हैं, और शायद उन सबको हमारी जरूरत पड़े और उनको हमारी। हम ताजमहल के मजदूरों की तरह अपना हाथ कटवाना नहीं चाहते बल्कि जिंदा रहना चाहते, और हम सब ने सोच विचार कर इस्तीफा देने का फैसला किया है, और हमारी शुभकामनाएं आपके और किरण के साथ हैं। अली साहब, ये क्या हो रहा है? अली साहब, मैं सुबह साइट पर पहुंचा तो पता चला साहब इंजीनियर लोग काम छोड़कर जा चुके हैं। तुमने ठीक ही सुना है, रेजिग्नेशन लेटर। मुझे इन इंजीनियर्स के जाने का कोई अफसोस नहीं, वैसे भी नवभारत को नौजवानों की जरूरत है, जिसका इंतजाम अशोक ने कर दिया है। मुझे तुमसे सिर्फ ये पूछना है कि क्या तुम्हारे मजदूर हमारे साथ हैं? अली साहब, मैं जब तक जिंदा हूँ मेरे मजदूर भाई आपका हर हुक्म मानने के लिए तैयार रहेंगे। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम्हारे हाथ में पैसा होगा, ताकत होगी, जरा सोचो तो इन सब के होते हुए तुम अपने घर परिवार के लिए क्या क्या नहीं कर सकते। मुझे नहीं चाहिए ये सब कुछ, जो कुछ तुम मुझे देना चाहते हो वो मजदूरों का चूसा हुआ खून ही तो है। शंकर, शंकर जो कह रहा है वो सही कह रहा है, बेहतर यही होगा कि आप यहाँ से चले जाइए, वरना कल यही बात बोर्ड के अधिकारियों तक पहुंची तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी। भगवान गरीब आदमी को अकल भी गरीबों जैसी देता है। ठीक है, मैं जाता हूं।
जाते जाते एक बात और सुनते जाइए, शंकर अपनी जमीर को आप जैसे गंदे आदमी के हाथों बेचने से मर जाना बेहतर समझता है। भगवान तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेगा। सर, जितने भी नए इंजीनियर्स अपॉइंट हुए हैं उनके रहने का बंदोबस्त हो चुका है। लेकिन विनोद का कोई पता नहीं जिसपे हम डिपेंड कर रहे हैं। आरिश्योर के विनोद की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई? इंफॉर्मेशन बारे दोस्त, साले जमाने के बाद तुझे देख रहा है। यार कमाल है, तू तो बहुत बड़े ऑफिस में काम कर रहे हैं, तेरी तो किस्मत ही खुल गई है। अब मैं तेरी किस्मत भी खोलने वाला हूँ, आओ मेरे साथ। कहाँ? बॉस से मिलाता हूँ। कम इन। मिस किरण, यही है मेरे दोस्त विनोद जिनका हम इंतजार कर रहे थे। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई मिस्टर विनोद। किरण जी, मुझे भी बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। ये सिर्फ दोस्त की तारीफ ही नहीं बल्कि हकीकत है, ये मुझसे भी बड़ा बढ़िया और काबिल इंजीनियर है। काम को बहुत ही सिंसियरिटी के साथ करता है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि काम को पूजा समझ के करता है। मैं अपने दोस्त के ख्याल को सही साबित करने के लिए अपना तन मन सब कुछ लगा दूंगा। मैं लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी में आपका स्वागत करती हूँ। थैंक यू। चलिए साइड पर चलते हैं, आइए। नाइस मीटिंग यू। थैंक यू। यार मैंने तो सोचा था कि अपना बॉस कोई मोटे मोटे चश्मे वाला घसीटा राम होगा। कुड़ी तो बड़ी क्लास है यार, और काम करने का मजा आ जाएगा। भाई साहब, जितना आसान समझ रहे हैं आप, काम उतना आसान नहीं है। बस इसके लिए तो जान भी दे सकता हूँ। इसीलिए तो आपको साइड पे ले चल रहा हूँ कि काम देखेंगे और आपकी जान निकल जाएगी। आइए। चलिए। बड़ा लीडर बनता है। कौन हो तुम? चलो अपना काम हो गया। हाँ चलो। शंकर पे हमले का जिम्मेदार कौन है? जब तक किसका इंसाफ नहीं होता काम बंद रहेगा। तो भगवान ने शंकर भैया को बचा लिया, वरना ये लोग तो उन्हें मार ही डालते। इससे पहले भी यहाँ काम करने वाले इंजीनियर्स की जाने गई हैं। किरण ने कुछ किया? मैम साहब एकदम ठीक कह रही हैं। मालकिन को हमारी जरा से भी फिक्र नहीं है। काम बंद हो जाएगा ना, सबको फिक्र हो जाएगी। मैम साहब आप अपने अखबार में सब छाप दो, हमारी फोटो भी छाप दो, देख लेंगे। वो तो छपेगा ही, मगर ये बताओ यहाँ नारेबाजी करने से क्या फायदा? लो कर लो बात। अरे हम लोग जहाँ नारे नहीं लगाएंगे तो क्या जंगल में लगाएंगे? नारे यहीं लगेंगे? नहीं, ये नारेबाजी किरण के ऑफिस के सामने जाकर करो, वो बकला कर अपने आप तुम्हारे सामने आ जाएगी। अरे वाह, अरे मेम साहब क्या बात कही है आपने, मेरे दिमाग में से 440 वाट का करंट भागने लगा है। भाइयों और बहनों, अब देख रहे मैं कहाँ का करंट मारता हूँ, आओ मेरे साथ। किरण मुर्दाबाद, किरण मुर्दाबाद। देखना अब किरण हमारे सामने आएगी। वाह, तुम्हारा भी जवाब नहीं। हमारी मांगे मैनेजमेंट। पर्दे में छुपी किरण बाहर। भाई अब जब तक गुनहगार को सजा नहीं मिलेगी हमारी भूख हड़ताल जारी रहेगी। मैनेजमेंट, हाँ भाइयों चलो, अपनी भूख हड़ताल हम वहाँ जारी करेंगे। हाँ चलो, हमें चाहिए इंसाफ, नहीं तो करेंगे भूख हड़ताल। हमें चाहिए इंसाफ, नहीं तो करेंगे भूख हड़ताल। कैसा उल्टा काम तुम्हारा, यहाँ
से जागो, अपनी मेहनत का हक मांगो, कभी किसी से कहीं डरो ना, मगर काम तो बंद करो ना, बंद करो ना। अरे काम करो कुछ काम, वर्क इज वर्शिप, काम करो वो काम के जिससे यहां मिले कुछ पैसे, काम करो वो काम के जिससे यहां मिले कुछ पैसे, पैसे पास नहीं होंगे तो पेट भरोगे कैसे, हां पेट भरोगे कैसे। इसीलिए तो कहता हूं बंधुओं, क्या पहले पेट पूजा फिर काम करो कोई दूजा, आहा। अरे पहले पेट पूजा फिर काम करो कोई दूजा, पहले पेट पूजा फिर काम करो कोई दूजा, खाली पेट तो कभी किसी को काम न कोई दूजा दूजा, पहले पेट पूजा फिर काम करो कोई दूजा, पहले पेट पूजा फिर काम करो कोई दूजा। बंधुओं क्या पहले पेट पूजा फिर काम करो कोई दूजा, पहले पेट पूजा फिर काम करो कोई दूजा, खाली पेट तो कभी किसी को काम न कोई दूजा दूजा, पहले पेट पूजा फिर काम करो कोई दूजा, पहले पेट पूजा फिर काम करो कोई दूजा। इसीलिए तो कहता हूं मित्रों, पहले पेट पूजा फिर काम करो कोई दूजा, 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 पहले पेट पूजा फिर काम करो कोई दूजा। किरण जी बड़ी खुश नजर आ रही हैं आप। खुशी की बात जो है
और जब तो खुशी अपने साथ ना बांटी जाए अधूरी आ जाती है ना। बात तो सच है, बैठिए ना। नहीं मैं तो। अरे ऐसी क्या बात है भाई, कब इनकी रिपोर्ट आई है? हमारा काम प्लानिंग के मुताबिक बिल्कुल ठीक चल रहा है। ओह रियली, दैट्स वंडरफुल। ये तो वाकई बहुत खुशी की बात है। इसीलिए तो आई हूँ। अशोक कहाँ है? साइट नंबर 2 पे होंगे। तो मैं उससे वहीं पे मिल लेती हूँ। ये खुशी मैं उसी के साथ बांटना चाहती हूँ। बाय। राजो, राजो रानी, राजो रानी बात तो सुन। क्या है? मैं भड़कती क्यों है? चल हट, बात मत कर मुझसे। झूठा कहीं का? इसमें झूठे की क्या बात है, जिस दिन मेरी कड़की दूर हो जाएगी ना, मैं तुझे गहनों से लाद दूंगा, लाद दूंगा। सचमुच? अरे खा मेरी कसम। अरे तेरी क्या, मैं अपनी कसम खा के कहता हूँ मेरी जान। कल सिनेमा देखने चले? भूल गया क्या, कल तो बस्ती में होली का दहन है। अरे होली कुमार गोली, अपन दोनों पिक्चर देखने चलेंगे, बहुत मजा आएगा तेरे साथ किचमिच करके। नहीं बाबा नहीं, मुझे तो बहुत डर लगता है, वो शंकर भैया है ना, वो बहुत गुस्सा करेगा। अरे कोई गुस्सा नहीं करेगा, जब भांग अंदर चली जाएगी ना तो किसी को होश नहीं रहेगा, हम दोनों किचमिच किचमिच। अरे जल गई जल गई जल गई साथी, होली आज की रात, ए होली की ज्वाला में जल गई कल की सारी बात। रंग प्यार का चढ़ा रे चढ़ा, प्यार दिलों में बढ़ा रे बढ़ा। रंग प्यार का चढ़ा रे चढ़ा, प्यार दिलों में बढ़ा रे बढ़ा। वादा नहीं वादा ये तो अपना इरादा है, वादा नहीं वादा ये तो अपना इरादा है, मिल के न बिछड़ेंगे हम।
सच हो जाते हैं, सपने सच हो जाते हैं। हर दिन खुशियों के लिए तरसे दीवाने, वो खुशियों के दिन आते हैं, वो खुशियों के दिन आते हैं। हर रिश्ता प्यार का जुड़ा रे जुड़ा, ये रिश्ता प्यार का जुड़ा रे जुड़ा। ये क्या समझाया आपने? क्या ये फोटोग्राफ्स असली नहीं है? ये खबर सच्ची नहीं है? फोटोग्राफ भी असली है और खबर भी सच्ची है, मगर आपने उसे गलत ढंग से पेश किया है कि किरण नशे में धुत होकर आवारा लोगों के साथ धमाचौकड़ी मचा रही थी। दरअसल हकीकत यह है कि अमीर और शरीफ लड़की किरण ने अपने वर्कर्स के साथ होली का त्योहार मनाया, जिस बात की उसकी तारीफ होनी चाहिए थी, मगर आपने उस पर गंदगी उछाली है। मिस्टर अशोक सिन्हा, जिनके चेहरों पर दाग होते हैं, वो हमारे आईने में अपनी शक्ल देखकर चिल्लाने लगते हैं। मिस गीता सेन, आपका आईना दागदार है, इसलिए उसमें अच्छी सूरत भी बुरी नजर आती है। आपको नहीं मालूम आपने किरण पर कितना जुल्म किया है। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी कलम में इतनी ताकत है। अगर इसी तरह से आप अपने कलम से आग उगलती रही तो वो दिन दूर नहीं मिस गीता सेन जब आपका अपना दामन साग में झुलस जाएगा। अच्छा तो मैं चलता हूं भाई, किरण ने मुझे बुलाया है, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। तब तक तुम जरा ये फाइल देख लेना। ओके। फाइलें देख लेना। नमस्ते साहब, क्या बात है, बहुत जल्दी आ गए। क्या करें डाकू, काम बहुत है ना, करना ही पड़ेगा। अरे साहब, तुम्हारी भी कोई जिंदगी है, दिन भर गधों की तरह काम करते फिरते हो और कमाई देखो तो बिल्कुल ही नहीं। साहब असली काम तो वो कि एक ही झटके में चोरी। चोरी? क्या बात कर रहे हो साहब, चोरी तो लल्लू पंजू लोग करते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि इधर की खबर उधर और सारा माल इधर। कहना क्या चाहते हो साहब, पढ़ाई लिखाई में जो आपने खर्चा किया है वो वसूलोगे नहीं? अरे उतना कमाते कमाते ना जाने कितना वक्त लग जाएगा। अरे साहब आप कहो तो एक ही झटके में दिलवा दे। कैसे? अरे साहब
वो सब मेरे पे छोड़ दीजिए बस। लगता है साला डाकू के चक्कर में आ ही गया। तो आप मुझे नव भारत का चीफ इंजीनियर बनाना चाहते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं विनोद बाबू, बहुत जल्दी नाथ साहब नव भारत पर कब्जा करने वाले हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल बात यह है मिस्टर विनोद कि किरण अभी बच्ची है, दुनियादारी की उसे समझ नहीं है, और ऐसे में नव भारत बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का भारी काम उसके नाजुक कंधों पर आ पड़ा है। मुझे डर है कि वो बेचारी अकेले संभाल नहीं पाएगी। आप किरण को इतना कमजोर क्यों समझ रहे हैं? नहीं, किरण कमजोर नहीं है, ना तजुर्बेकार है, उसे किसी मजबूत कंधे की जरूरत है, तुम्हारे जैसे कंधे की। हाँ विनोद, मेरी इकलौती भतीजी तुम्हारी ताकत बने और तुम उसका सहारा, यही मेरी ख्वाहिश है। आखिर मेरे बाद तो ये सब कुछ तुम दोनों का ही है, इसीलिए मैं सोचता हूं कि नव भारत को पूरा करवाने का काम मैं अपने हाथों में ले लूं, क्योंकि किरण के हाथों ये प्रोजेक्ट सही वक्त पर पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन किरण जिद्दी इतनी है कि छोड़ेगी नहीं। अब उससे छुड़वाने का यही तरीका है कि काम की प्रोग्रेस धीमी करवा दी जाए। वो तो ठीक है, मगर कोई खून खराबे वाली बात नहीं होनी चाहिए। यकीन मानो विनोद, ये दो चार हादसे जो हुए हैं इनमें मेरा कोई हाथ नहीं है। जरा सोचो तो, क्या मैं अपनी भतीजी के लिए ऐसे गंदे काम करने की बात कभी सोच सकता हूं? लेकिन मुझे करना क्या होगा? अरे विनोद, तुम अब तक यही हो? चेकिंग कर रहा था। अरे भाई, तुम तो सिविल इंजीनियर हो, तुम्हें मशीनों के बारे में क्या पता है? अरे तुम्हें इतने परेशान क्यों? मैं वो रात को सोया नहीं ना। देखो विनोद, तुम्हारी हमेशा ही शिकायत रहती मुझसे कि मैं तुमसे ज्यादा काम करवाता हूँ, इसलिए आज मैं तुम्हें छुट्टी दे रहा हूँ, जाकर आराम की नींद सो जाओ, कल सवेरे फ्रेश होकर बाकी काम कल करेंगे। काम यहाँ बहुत है अशोक। देखो, मैं तुम्हारी शक्ल रात में यहाँ देखना नहीं चाहता हूँ, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, जाके आराम करो, सो अच्छी तरह से, कल सवेरे आना। अगर रात को यहाँ दिखाई दिए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अशोक, कम ऑन, गो नाउ, गो। नहीं नहीं ना, आप ये विनोद के लारे लप्पे की लोरी हमें मत सुनाओ, कब से तुम्हारे झूठे वादे हम सुनते आ रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं गुप्ता जी? ये प्रोजेक्ट बंद होने की वजह दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है, आखिर तुम कर क्या रहे हो? मैं अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूँ। छोड़ रहे हो, जरूर छोड़ रहे हो, तुम छोड़ रहे हो अपनी भतीजी किरण। आप कहना क्या चाहते हैं? किरण को खत्म कर दो। यार कमाल कर रहे हो तुम भी, हम लोग क्या गुस्से हैं? गुप्ता, इसी जगह पर तुमने राम भाई साहब के लिए ऐसी बात कही थी और मैंने तुम्हें वार्न किया था कि लड़ाई सिर्फ हमारे असूलों की है। नाथ, ये थप्पड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। बकवास बंद कर, कहीं छुट्टियां किसी और को देना। नाथ साहब, ऐसा लगता है कि विनोद अशोक की नजर में आ गया है। अशोक अशोक अशोक, ड्वेल विद अशोक। जब देखो ये अशोक मेरे मंसूबों पर पानी फेर देता है। खत्म कर दो इसे। लेकिन ना साहब, आपने तो विनोद से वादा किया था कि कोई खून खराबा नहीं करेंगे। वादा मैंने किया था, तुमने नहीं। दादा? अरे हाँ, राम खिलावा ना भैया। क्या है कि अशोक साहब के लिए मिठाई लाया था। अपने गांव से खुशखबरी आई है कि अपने यहाँ लमड़ा पैदा हुआ। मुबारक हो दादा, मुबारक हो। तुम भी मिठाई का। मैं तो बाप बन गया। मगर दादा, आप तो कई साल से गांव गए ही नहीं।
अबे साले लमड़ा मेरे या पैदा हुआ या तेरे या, जो तुझे फिक्र लगी है तू मिठाई खा और साल मत गिन। और सुन अशोक साहब से कह दे कि मेरे या लमड़ा पैदा हुआ, मैं मिठाई लेके आया हूं। शंकर भैया की। अरे बस बस। अरे शंकर भैया जीत गए। और क्या, शंकर भैया चारों यूनियन के नेता हो गए। शंकर भैया की जय। शंकर भैया मैं अशोक साहब को अभी बुला कर लाता हूँ। हाँ जाओ। अच्छा आप लोग चलिए, कल सुबह मिलते हैं। जी अच्छा, मैं अशोक साहब से मिल के आती हूँ। शंकर भैया जिंदाबाद, शंकर भैया जिंदाबाद, शंकर भैया जिंदाबाद। अरे भाई शंकर, बधाई हो शंकर, बधाई हो। धन्यवाद। लगता है तुम्हारे जीतने की भनक टाकों को पहले ही लग गई थी, वो तुम्हारे लिए मिठाई छोड़ गया। चलो आओ मिठाई खाते हैं, आओ। साहब कुछ सरकारी लोग आए हैं आपसे मिलने के लिए। अच्छा तुम मिठाई खाओ, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। मारने का इंतजाम कर ही लिया था लेकिन शंकर मारा गया। पता कौन है तेरा बाप जिसे कहने पर तू खून आता है? को बोल रहा हूँ ना था, मुझ पर अशोक ने अचानक हमला कर दिया, मैं बहुत बुरी तरह से घायल हूँ। और सुनिए मेरे पीछे पुलिस भी लगी है, मुझे जल्दी कहीं छुपाने का बंदोबस्त कीजिए।
हमारा भांडा फूट गया ना साहब। हमारा भांडा मत कहो, तुम्हारा भांडा फूटा है, सिर्फ तुम्हारा। क्या राज साहब, मैं टाको बोल रहा हूँ, मैं आपका आदमी हूँ, मैं आपके एक ही इशारे पर जान देने के लिए तैयार हो जाता हूँ। नाथ साहब, आज तक मैं सब उल्टे सीधे काम आपके ही इशारे पर करता आया हूँ। तुमने जो कुछ भी किया है टाको, अपनी मर्जी से किया है। ठीक है नाथ साहब, इतना याद रखना, मेरे गुनाहों के सबसे बड़े हिस्सेदार तुम हो। अगर मुझे पुलिस ने पकड़ लिया तो तुम भी बच नहीं पाओगे। बकवास बंद करो। मिस्टर नाथ, मिस्टर नाथ, मिस्टर नाथ, आपने वादा किया था किसी की जिंदगी से नहीं खेलेंगे, किसी की जान नहीं लेंगे। मैंने कोई वादा नहीं तोड़ा है। ये सब झूठ है मिस्टर विनोद, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। अगर मुझे अपने वादे का ख्याल नहीं होता तो आज जिस जगह तुम खड़े हो वहां तुम्हारी लाश होती। इस दुर्घटना के बाद मेरा इरादा बदल गया है मिस्टर नाथ, मैं अपना वादा वापस लेता हूं। वादों से मुकरने वाले कभी बड़े आदमी नहीं बनते। मिस्टर नाथ, मैं जहां हूं, जिस तरह भी हूं, उसी में खुश रहने की कोशिश करूंगा। गुड बाय। आहिस्ता आहिस्ता, केला है जरा चबाके चबाके चबाके, शाबाश। सेठ, एक दिन इसी तरह चबा चबा कर अपन साले नाथ को भी खत्म कर देगा। सुनो, अगर तुम नाथ को खत्म कर सकते हो तो उसकी भतीजी किरण को भी खत्म कर सकते हो। अरे इसमें कौन सा बांधा है, कई बार रात को साइट पर आती है, वो भी अकेली। जब बोलेगा अपन साला उसे उसके बाप के पास पहुंचा देगा। अरे क्या बात है, आज बहुत अपसेट लग रही हो, एक भी गेम ठीक से नहीं खेला। यू आर राइट सोनिया, आई एम वेरी अपसेट। अरे हमारी गीता को अपसेट करने वाला वो खुशनसीब है कौन? जब से मुझे पता चला कि नव भारत में काम कराने के बहाने मैनेजमेंट एक बहुत बड़े क्रिमिनल को पनाह दे रही है, तब से मैं बहुत अपसेट हूँ। और जब तक मैं मामले की तह तक नहीं पहुँच जाती तब तक मुझे चैन नहीं मिलता। अरे बाबा, तू और तेरा जर्नलिज्म, मैं तो चली, बाय। लवली तो साला भूखों की निशानी। शेरो शारी बिल्कुल बेकार। अब ये क्या अंग्रेजों वाली चीज, हट साले। ले बे चना खाने के लिए, हट। लगता आज अपन का नसीब बिल्कुल खोटा है, चल कहीं और चल के हाथ मारते हैं। चल। अरे गुरु, जाने की क्या जरूरत है, वो देख तिजोरी चली जा रही है। वाह, तिजोरी तो बड़ी जबरदस्त लग रही है यार। गुरु उसके माल पे हाथ मत मारना। अबे उसके माल पे हाथ मारने को कौन कह रहा है यार, अपुन तो माल वाली पे हाथ मारेंगे यार। Thank you.
हमारे साथ चलना है या खाने? Come on, baby. Now you come on, sweetheart. Come on. कोई जरूरत नहीं, अब ये गुंडे इस काबिल नहीं रहे कि दोबारा किसी खूबसूरत जवान लड़की की सूरत पर निगाह उठा के भी देख सके। आप ना आते तो न जाने क्या हो जाता। समझ में नहीं आता कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। बहुत आसान है, आपके कलम से निकली हुई रोशनाई के छींटे तेजाब बन के बरसते हैं किरण पे। बस इतनी मेहरबानी कर दीजिए कि अब वो रोशनाई मरहम बन जाए। तो आप मुझे किरण और टाकू की जोड़ी से मिलवा दीजिए। देखिए देवी जी, देव और दानव का कभी साथ नहीं रहा है। टाकू राक्षस तो फरार है, अगर वो मुझे मिल जाए तो उसे भरे चौराहे पे मैं दफन कर दूंगा। लेकिन किरण वो तो फरिश्ता है, फरिश्ता। उसे शक की निगाह से नहीं बल्कि पूजा की निगाह से देखना चाहिए। जो लड़की अपने पिता का अधूरा सपना पूरा करने में जुटी है, आपने उसी का जीवन अधूरा कर दिया है। पता नहीं वो कब क्या कर बैठे। Thank you.
लो गीता, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हारी कलम ने तलवार का काम किया है। सर, किरण की मौत ने मुझे बहुत अपसेट कर दिया है। मैं खुद को कातिल समझने लगी हूँ। ऐसा मत सोचो, किरण ने बदनामी से बचने के लिए अपनी जान दी है, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? मैं किरण के घर जाऊंगी। नहीं नहीं, ये बचपना मत करो गीता। किरण तो नहीं रही, कम से कम उसकी लाश के सामने जाकर मैं माफी तो मांग सकती हूँ। अली साहब, मेरे सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी दौलत की हवस मुझे इस मुकाम पर ला पटकेगी कि अपनी फूल सी भतीजी को इस तरह अंगारों पे सुलाना पड़ेगा। उन गरीब मजदूरों को क्यों भूलते जा रहे हैं मिस्टर नाथ, जो आपकी लालच की वेदी पर बलि चढ़ा दिए गए। काश उस रोज मैंने तुम्हारी बात मान ली होती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। मैं अपराधी हूं, तुम सबका अपराधी हूं। एक मौका दोगे तो मैं भाई साहब के सपने को साकार करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अब मेरी जिंदगी का वही एक मकसद रह गया है। नाथ साहब, ये अच्छा हुआ कि आपने खून से लिखे हुए उन पन्नों को आग में होम कर दिया, लेकिन अभी सामने बहुत से कोरे पन्ने बाकी हैं। हम आपके साथ हैं। यस, मैं गुप्ता बोल रहा हूँ। गुप्ता साहब, गुड न्यूज, गीता भी यही समझ रही है कि किरण ने वाकई खुदकुशी की है, और अब पुलिस ने भी इसे सुसाइड केस मानकर फाइल बंद कर दी है। अरे जब अपना नसीब इतना जोरदार है तो कोई हमारा क्या बिगाड़ सकता है। अरे वड़े साईं, क्या बात है। किरण के मर्डर को पुलिस ने सुसाइड समझकर केस की फाइल बंद कर दिया है। और ये बड़े साईं, कोई जशन वसन मनाओ नहीं, और लड़की भी हो चमक छल्लो, छुलतरी फुलतरी, पतली कमरिया, मोना लिसा, ये तो मैं पहले ही इंतजाम करके बैठा हूँ, मुझे मालूम था। ये सेठ जिंदाबाद, सेठ जिंदाबाद, सेठ जिंदाबाद, सेठ कुत्ते के औलाद हमें धोखा दे गया। बड़े, कौन कुत्ते के औलाद? नाथ, मुझे तो पहले ही उस पर शक था। जब वो अपने भाई का नहीं हो सका तो औरों का कैसे हो सकता है? लेकिन हमने उसकी मदद इसलिए की थी कि नव भारत के बदले मिलने वाले 50 करोड़ में से आधे के हकदार हम होंगे। हम वो हरामखोर जाकर दुश्मनों से मिल गया, धोखेबाज। अरे सेठ, धोखेबाज क्या, अपन ने तो तुम्हें पहले भी कहा था वो साला सांप है सांप। बोलो तो क्या कुचल डालू? नहीं नहीं, ये काम मैं खुद करूंगा। टाकू, तुम नव भारत का काम किसी तरह 7 दिन के लिए बंद करा सकते हो, सिर्फ 7 दिन के लिए। उससे क्या होगा सेठ? इसलिए कि नव भारत के कॉन्ट्रैक्ट का पहला क्लॉज ये है कि 7 दिन तक काम बंद रहे तो गवर्नमेंट इससे काम छीन लेगी। ओह, अगर ये बात है सेठ तो 7 दिन क्या, मैं 70 दिन तक काम बंद करवा दूंगा। रिमझिम बरसा पानी ले, राजो रानी कहाँ गई तू? चुप, मैं टाको हूँ और जिंदा हूँ। टाको जिंदा हो? सुना, तुम्हें लाजो से शादी करनी है ना? करनी है, समझ लो तुम्हारी शादी हो गई। अरे वाह 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 वाह, अब हमारा एक काम करना होगा। हुकुम। ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। अरे पिस्तौल, इस आदमी का निशाना कभी नहीं चूकता, चांद से हाथ धो बैठोगे।
मैं करूंगा करूंगा। अरे भैया तेरा निशाना नहीं चुकता। जाओ। अरे इसे यहाँ रखते। अच्छा मेरे साथ। वो क्या इधर है? हाँ तो सही, देख लाजो। हाँ? जो मैंने तुझे समझाया है ना बिल्कुल वैसे ही जाके कर दे। जा, अच्छा, जा। लेकिन मेरे को बहुत डर लग रहा है रे। अरे इसमें डरने की क्या बात है, देख लाजो रानी, मेरे को जिंदगी में शादी बनाने का पहला और आखिरी चांस मिला है। अगर तू डर जाएगी तो हमारी शादी कैसे होगी, और शादी नहीं होगी तो बच्चे कैसे होंगे, और बच्चे नहीं होंगे तो हमारा क्रियाक्रम कौन करेगा। देख लाजो रानी, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, आज तू हेमा मालिनी की एक्टिंग दिखा, मैं तेरे को सारी उम्र स्वर्ग दिखाऊंगा। जा जा, जा। थर्ड फ्लोर के जितने विंडोज हैं ना उनकी पोजीशन फिर से चेक कर। right, और फिर मुझे बताओ। ओके सर। साहब क्या बात है लाजो, फिर से छुट्टी मांगने आ गई? नहीं नहीं साहब, वो बात नहीं है। अरे क्या हुआ तुमको? अरे 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 बचाओ, मुझे बचाओ, अरे बचाओ। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? लाजो पागल हो गई क्या तू? ये क्या काम है? होश में हो भाइयों, बचाओ बचाओ बचाओ, गरीब की इज्जत लूटी, देखो गरीब की इज्जत लूटी शैतान ने, बचाओ। अरे मैं तो बर्बाद हो गया। मैंने क्या किया? अरे क्या किया ये तो पुलिस बताएगी। अरे हम तो तुझे भगवान समझे थे और तू शैतान निकला। अरे भाइयों इस शैतान का क्या किया जाए, क्या किया जाए? इसे पुलिस के हवाले कर दिया जाए। कर दो पुलिस के हवाले। जब तक इसे सजा नहीं मिलती तब तक काम बंद। काम बंद रहेगा। आइए देवी जी, इस वक्त तो बेपनाह खुशी महसूस हो रही होगी आपको, बड़ा ही सुनहरा मौका हाथ लगा है आपके। जाइए अपनी जहरीली कलम से ढेर सारा जहर दुनिया के सामने उगल डालिए कि नव भारत अय्याश चीफ इंजीनियर के अय्याशी का अड्डा है। खबर को चटपटा बनाने के लिए अगर शब्दों की कमी महसूस हो रही हो तो मुझसे आकर उधार मांग लीजिएगा। देवी जी आपकी नफरत की आग में मासूम किरण तो झुलस कर शहीद हो गई, मगर ये अशोक उस चीज का नहीं बना है जो आपके कलम के तेजाब से बर्बाद हो जाए। जाकर कह दीजिए अपने लोगों से कि चौराहा ढूंढने अशोक उन्हें दफन करने का इरादा पक्का कर चुका है। लाजो लाजो, ये अखबार के रिपोर्टर हैं, अशोक ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया सच सच बता दो, ये अखबार में छापेंगी और फिर अशोक को कोई नहीं बचा पाएगा। क्या किया अशोक ने तुम्हारे साथ? शर्माओ मत, जो कुछ भी हुआ मुझे बता दो। इंजीनियर साहब ने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। कैसे? तुम्हारा हाथ पकड़कर खींचा, कपड़े फाड़े। क्या किया? मुझे पकड़कर मेरे कपड़े फाड़ दिए। फिर तुमने क्या किया? क्या करती, जोर जोर से चिल्लाई और रो पड़ी। फिर क्या हुआ? इससे पहले कि वो कुत्ता मेरी इज्जत लूटता रामू ऊपर आ गया। ओ, तुम जब ऊपर गई रामू नीचे खड़ा था? हाँ। और उसी ने तुम्हें ऊपर भेजा? नहीं नहीं, ये रामू, रामू से इसका ब्याह होने वाला है। ओ हाँ, मगर वो तो किसी दूसरी लड़की से ब्याह करने वाला है। क्या? हाँ, वो कह रहा था कि जूठी हंडिया कौन चाटेगा। भड़वा कुत्ता मेरे को जूठी हंडिया कहता है, उस भड़वे के कहने पर ही तो मैंने ये नाटक किया। सुना आपने? तो क्या अशोक ने तेरे साथ जबरदस्ती नहीं की? नहीं। क्या हुआ लाजो? भड़वे कुत्ते कमीने, लाजो ने तेरा सब भाड़ा फोड़ दिया, तूने अशोक जैसे अच्छे आदमी को बदनाम किया। कुत्ते, बोल किसके कहने पर धमकी दिया? अभी बताता हूँ। बोल। अभी बताता हूँ। अभी बताता हूँ। रामू!
समझ में नहीं आता कि इतने मजबूत साजिश को तोड़ने की कोशिश किसने की। उस देवी ने जिसे आज तक हम अपना दुश्मन समझते रहे, मगर हकीकत तो यह है कि सच को सच साबित करने की हिम्मत जितनी उसमें है उतनी और किसी में नहीं। तुम्हें बेकसूर साबित करने के लिए जितनी कोशिश इसने की है वो काबिले तारीफ है। अरे सादीलाल बाल ब्रह्मचारी जी। रोज आ जावे और 4 किलो दूध गटर जावे तू। अरे मेरी छोरी राम प्यारी के वास्ते कोई लड़का ढूंढा के नहीं? अजी सेठ जी आ? ऐसा लड़का ढूंढा है जो दिखने में कामदेव, स्वभाव में रामदेव, सर्वांग सुंदर। क्यों नहीं ढूंढे को? 200 रुपया कमीशन का भी तेरी जेब में घर ले हूँ मैं। सेठ जी फटे जेब की छेद में उंगली मत घुमाओ। अरे 2 करोड़ का लड़का ढूंढा है, ₹20,000 लूंगा। देऊंगो रे भाई। वचन वचन वही वचन ना जो महाभारत में केकई ने दशरथ को दिया था। वही। घंटी बज गई। किसी घंटी बजी? अरे तुम्हारी घंटी नहीं, 2 करोड़ का दामाद घंटी बजा रहा है। तुम मन मंदिर का घंटा बजाओ और स्वागत की तैयारी करो। चलो चलो आइए। छोरो सिगरेट पीना बुरी बात है। पकड़ो लाजी, पकड़ो। क्या पकड़ो? देव 5 फीट नहीं 6 फीट 1 इंच लिख रहे हैं। अरे क्या हाइट है तेरी, हिमालय से ऊंचो लागे। छाती लिख रहे हैं, छाती 42 और फूलने के बाद 46। अरे छोरी का भाग खुल गया, जितना छोरा हुए ला 6 फीट का हुए ला। दामाजी हमारा पपोटा पर आओ, हमारी पुतला पर आओ, हमारा हाथ पर आओ और हमारी छोरी ने हाथी पर बिठा कर ले जाओ। आइए आइए मान्यवर आइए। दामाजी मेरा हाथ। गीता के पिताजी आप हैं? जी हाँ, गीता के पिताजी भी और माताजी भी है। माताजी? जी जी, डेरी का दूध पिलाया है ना। क्या करा, बचपन में हमारी गीता की माँ मर गई, के बाद बाप भी मैं और माँ भी मैं। आज सारी प्रॉपर्टी हमारी गीता की है, जितना हो सके प्यार दियो उसको। पूछा क्यों मैंने? मेरा मतलब है कि ऐसे पिता बड़े भाग्य से मिलते नहीं। अरे ऐसे दामाद भी तो बड़े भाग से मिला है। श्रीमान जी गीता भी ब्यूटी कंपटीशन में 4 बार पहले नंबर पे आई है। गीता ब्यूटी कंपटीशन में फर्स्ट आई है? जी हाँ। लेकिन उनके पिताजी को देखकर तो आपको यकीन नहीं होता होगा, लेकिन बात सत्य है। और श्रीमान जी धार्मिक विचारों वाली तो इतनी है कि रामायण पढ़े बिना खटिया नहीं पकड़ते। सेठ जी बाबूजी के बंगले का नाम भी रामायण है। गीता छोरी आ गई। आ गई आ गई आ बेटी। आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। बैठ जा पाटा पर, बैठ जा बेटी। मेरी माँ नहीं बीबी। अरे बीवी की तो अपशब्द नहीं, अपशब्द नहीं। क्या, 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 क्या? अरे मेरा हाथ कटा हाथ। अरे कटे क्या आठे है। डाइटिंग करे मारी टुमकी। अरे मेरा टुमकी कितनी दुबली पतली हो गई, चोच हुई। कौन से टेलरिंग शॉप में फंस गया। देखो जी हा? मैं अपनी गीता से मिलने आया हूँ। गीता आई? गीता है। अरे ब्रह्मचारी उठ, ये देखा छोरा छोरी मन में मन घाले। बेटी मन में मन घाल दीजिए। मत घालो रे राजा, कहाँ चलेंगे? देखो मोटी हो रही मेरी गीता। अरे मेरी गीता। गीता कौन थे ये लोग? मेरे मकान मालिक है, मैं यहाँ पेइंग गेस्ट हूँ। मैं आपको ये बताना भूल गई थी कि मेरे घर का एंट्रेंस इस तरफ से है। अरे आपकी इसी भूल ने तो देवी जी मेरी तो बारात निकलवा दी थी। माँ बाप हाथनी को खूंटे से बांधने के लिए बेचैन बैठे हुए थे। वो तो अच्छा हुआ आप वक्त पे आ गई, वरना मेरी तो जान चली गई। चलिए कम से कम जान लेने का इल्जाम तो नहीं लगाया। नहीं इल्जाम की बात नहीं, मैं तो दूसरी बार जान बचाने का शुक्रिया अदा करने आया। दूसरी बार? हम्म। ओह हाँ, थैंक यू। गीत तो आप बहुत प्यारे लिखती हैं, लेकिन लगता है प्रेरणा आपको नीचे वाली हथनी से मिलती है। क्यों? इसमें लिखा है सपनों का वो हाथी,
लगता है नीचे वाली हथनी अभी भी आपके दिमाग पर सवार है। हाथी नहीं साथी लिखा है। सपनों का वो साथी, सपनों का वो साथी सामने जब आ जाए, दिल तो बहुत कुछ कहना चाहे पर कुछ कहा न जाए। बोल तो बहुत प्यारे हैं, बिल्कुल आपकी तरह।
तीनों नव भारत के मेन पिलर्स हैं। तीनों अगर एक साथ हिल जाएं। हेलो, जस्ट अ मिनट। खन्ना साहब से बात कीजिए सर। हेलो खन्ना साहब, देखे मैं आपको एक आखिरी तकलीफ देना चाहता हूँ। हुक्म कीजिए, हम तो हमेशा ही आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं। मैंने एक शानदार प्लान तैयार किया है। नव भारत मेरा नहीं हुआ तो उद्घाटन के दिन उसे उड़ा दिया जाए और आपके पेपर के जरिए उसका सारा इल्जाम लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन वालों पर डाल दिया जाए कि उनकी लापरवाही से सब कुछ हुआ है, समझ गए ना आप? नहीं नहीं गुप्ता साहब, ये नहीं हो सकता। इससे तो हजारों लोग बेवजह मारे जाएंगे। आज ही मरने दीजिए, वैसे ही हमारे देश की आबादी बढ़ती चली जा रही है। नहीं नहीं गुप्ता साहब, आपके कहने पर मैं लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ लिखवाता रहा। गीता मेरी झूठी बातों को सच मानकर लिखती रही, यहाँ तक कि किरण के मर्डर को मैंने खुदकुशी बना दिया है। और अब नव भारत की तबाही। आप लाइन पे तो है ना? कुत्ता साहब गजब हो गया, गीता ने हमारी सारी बातें सुन ली। हमारी सब बातें सुन ली? हाँ, लगता तो ऐसे ही है। अब क्या होगा? अब होगा हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत और ऊंची इमारत का उद्घाटन। और इसकी बधाई के हकदार हैं चीफ इंजीनियर अशोक सिन्हा, आज की शाम अपने काबिल दोस्त की काबिलियत के नाम। देखो भाई, अगर तुम्हारा साथ नहीं होता तो शायद मैं कामयाबी की मंजिल को छू भी नहीं पाता। गलत दोस्त, बिल्कुल गलत। कहना तो ये चाहिए कि अगर मैं ना होता तो कामयाबी तुम्हारे कदमों को कभी की चूम रही होती। देखो, आज की शाम दोस्तों को शर्मिंदा करने की शाम नहीं है, लेकिन अपने दिलो दिमाग के बोझ को हल्का करने की शाम तो जरूर है। आज तुमसे मैं एक ऐसी बात कहने जा रहा हूं जिसे कहने के लिए मैं कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया। नाथ साहब, एक मिनट। हेलो अशोक, तुम फौरन मेरे घर आ जाओ, बहुत जरूरी बात है। जी नहीं, इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है आपका तैयार होकर यहाँ आ जाना। अशोक, किरण ने सुसाइड नहीं किया, उसका खून किया गया था और नवभारत को भी खतरा है। ओह माय गॉड, ठीक है मैं अभी आऊं। क्या हुआ? गीता का फोन था, बहुत घबराई हुई है। उसको पता चल गया है कि किरण ने आत्महत्या नहीं की थी बल्कि उसकी हत्या की गई, इसी वजह से गीता की जिंदगी भी खतरे में है। कह रही थी नवभारत को भी खतरा है। एक काम करो, तुम फौरन नवभारत जाओ, सिक्योरिटी को अलर्ट कर दो, मिस्टर अली से कहना कि बच्चों और औरतों को नवभारत बिल्डिंग से दूर रखे उस वक्त तक जब तक खतरा टल नहीं जाता। प्लीज दोस्त, नवभारत के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। अपना ख्याल रखना। हाँ ओके। जबान खोली तो खोपड़ी खोल कर रख दूंगा, समझी? हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? तो तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ? तो अपनी माँ शुका से पूछ लो। अशोक, गीता, अशोक ये गुंडे। गीता, देखो इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, अगर सलामती चाहते हो तो नाथ को लेकर मेरे हैंगर पर चले आओ। अगर पुलिस को बताने की कोशिश की, ध्यान रखो गीता की लाश के लिए एम्बुलेंस को अपने साथ लेकर आना होगा। अंडरस्टैंड यू? बॉब, पिलर नंबर 57, 58 और 71 को जोड़ने के बाद जब बम ब्लास्ट होंगे तो नव भारत की धूल आसमान में उड़ती नजर आएगी। आओ मेरे साथ। इस काम के बाद मैं तुम सबको मालामाल कर दूंगा। काम होशियारी से होना चाहिए और कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बॉब सुनो, इस पर मेरा सिग्नल मिलने के बाद जितने भी बॉम्ब है उनको 10 मिनट के टाइमर पर सेट कर देना ताकि तुम्हारे आदमियों को यहाँ से दूर भागने का टाइम मिल जाए। और याद रहे, यहाँ पर कोई भी नजर आए उसे खत्म कर दो, फौरन खत्म कर दो। गोली नहीं चलनी चाहिए क्योंकि गोली के धमाके से भी बम फट सकते हैं। इसके लिए मैं खास हथियार लाया हूँ जो बंदूक की गोली से भी अच्छा काम करता है। बिना आवाज के
आदमी फौरन ऊपर। क्यों गार्ड? गुड लक बॉस। आओ ठाकुर आओ, तुम्हारे दोनों साहब यहाँ पर मौजूद आए। अरे सेठ साहब नहीं, ये तो साला सांप लोग हैं। अच्छा सांप ही सही, कुचल दो या मसल दो। क्यों वे गिरगिट साले, तू तो बड़ा हरामी निकला। अपन तो तेरे वास्ते जान देने को तैयार रहता था। अपन को जरूरत पड़ा तो तुपीड़ दिखा गया। इसका इनाम तो अपन तेरे को जरूर देगा। You bastard! साले तेरे हाथ के साथ साथ तेरी जबान भी बहुत चलती है। ये देखो, याद है अपन को तेरी वजह से लगा था ये। शुक्र कर कुत्ते तेरी जान नहीं ली। अरे वो काम तो अपन करेगा। नहीं, सब्जी तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे मरने से कौन डरता है नमक हराम? मैं तो अपने भाई का सपना पूरा करना चाहता था, जो आज पूरा हो रहा है। लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन का नव भारत आज रात सरकार को सौंपा जा रहा है। अब बिच्छू सौंपा जरूर जाएगा, मगर 50 करोड़ लेंगे हम। लो साइन करा, इसी में तुम्हारी भलाई है, वरना तेरी जान के साथ साथ और सैकड़ों जाने भी जाएंगे। क्या मतलब? अरे मतलब मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। बॉब। यस बॉस। पिलर्स पर जो टाइम बम लगे हुए हैं उन्हें चालू कर दो। ओके बॉस। नहीं ठाकुर नहीं, इससे सैकड़ों लोगों की जिंदगी चली जाएगी। सैकड़ों लोगों की जिंदगी चाहिए तो इससे कहो कि इस पर फौरन साइन कर दे। जल्दी साइन करो, वरना आधे घंटे के अंदर अंदर तेरे भाई का सपना हवा में उड़ता नजर आएगा। नहीं चलनी चाहिए, वरना उस कुत्ते टाको के लगाए हुए बम फट जाएंगे। छोड़।
करोड़ों बेगुनाहों के खून से होली खेलने वाले टाकू के कुत्तों, अब तुम्हें दुनिया की कोई भी ताकत नहीं बचा सकती। ना सब कुत्ता के पिल्लो, जहन्नुम में पहुंचकर अपने बाप से कह देना कि नाथ के इरादों से टकराने वाले को मैं चकनाचूर कर दिया करता हूं। तुम्हें देखकर ताजुब नहीं हुआ कि इन लोगों ने मुझ पर हाथ तक नहीं उठाया? हैरानी तो इसी बात की है। वफादार कुत्ते अपने मालिक पर भौंका नहीं करते। तुम कहीं मजाक तो नहीं कर रहे नाथ? अब तक तो मजाक ही था। इन सबको बॉम्ब लगा दो ताकि नव भारत के उद्घाटन की शाम इसके चीफ इंजीनियर की आखिरी शाम बन जाए। नाथ, तूने मुझे दोबारा धोखा दिया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। शट अप। मेरे पास तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश सुनने का टाइम नहीं है। ऊपर लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। सी यू। जहन्नुम जाने से पहले मिल लिया एक दूसरे को अच्छी तरह से। ये कौन सा खेल खेल रहे हो नाथ? बहुत ही खतरनाक खेल खेल रहा था अपने जिगरी दोस्त गुप्ता और कुत्ते टाको के साथ, और वो खेल अभी अभी खत्म हुआ है। अफसोस की बात है कि तुम लोगों का भी वही हशर होने वाला है। नाथ, समझ में नहीं आ रहा ये सब तुम क्यों कर रहे हो। बच्चे, ये सियासत एक इंजीनियर की समझ से बाहर है। मैंने गुप्ता और टाको से नाता तोड़ा ताकि तुम नव भारत मुकम्मल कर सको, जो मेरी आन और शान बन सके। और आज नव भारत के इवज में सरकार से मिलने वाला 50 करोड़ रुपए का चेक अकेला मैं हासिल करूंगा। सिर्फ मैं। शैतान जहन्नुम में तुम्हें शांति बख्शे। नाथ, तो बच नहीं पाएगा। अब तो तू मौत के मुंह से नहीं बच पाएगा। इतने खूबसूरत चेहरे को मौत के मुंह में झोंकते हुए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, मगर क्या करूं, मजबूर हूं। तुम है सांप? मुझे मालूम था कि दोनों तरफ से डसता है, लेकिन इतना याद रख, एक दिन आएगा तो कीड़ों मोड़ों की तरह कुचल दिया जाएगा। अरे, तू तो बड़ी सख्त जान निकला रे। गुप्ता अकेला ही ऊपर चला गया, अकेलापन उसे बहुत खलता होगा। तुझे उसके पास भेजना ही पड़ेगा। कुत्ते,
जान प्यारी है तो मुझे मार दे। अबे मार, मारता क्यों नहीं? मार, मार नाग। बुलंदी हमारे इरादों की है।